वेलकम टू टेक्नोविद फ्रेंड्स, यहाँ आपको मिलते हैं विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन के लिए तैयार किए गए खास टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स। तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सारे फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए टेक्निकल ज्ञान। जी हाँ फ्रेंड्स, ये है टेक्नोविद फ्रेंड्स यूट्यूब चैनल, आपका दोस्त हमेशा आपके साथ। नमस्कार मित्रों, आपका दोस्त संदीप कुमार शर्मा। तो आज हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं आप लोगों के लिए एक विशेष प्रकार का मैकेनिकल ट्यूटोरियल। यहाँ पर हम बात करेंगे कि जैसे आपके सामने टेप रिकॉर्डर पड़ा है सामने, तो इसकी जो ऑडियो कैसेट है उसको बगैर किसी कंप्यूटर के हम मोबाइल में कैसे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है ना। हाउ कैन वी रिकॉर्ड ए ऑडियो कैसेट इन MP3। इसके कई चीज़ें हैं इसके पीछे। आपको अगर आपके पास MP3 रिकॉर्डर है तो आप उससे भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन चलिए उसका पैसा आप लगाना नहीं चाहते तो मैं आपको एक सिंपल चीज़ बता देता हूँ। यहाँ पर हम एक इस साउंड कार्ड का प्रयोग करेंगे। आपको दिख रहा होगा ये 200-250 रुपये में साउंड कार्ड मिल जाता है, कुछ पान की तरह से दिखता है। यहाँ पर इसका USB दिया गया है। यहाँ पर इसमें 4 पिने क्रमशः दी गई हैं ऑडियो की, ऑडियो इन और ऑडियो आउट। एक तो यहाँ पर ऑडियो इन की है जो येलो कलर से दर्शाई गई है, और जो ग्रीन कलर से दर्शाई गई है वो है ऑडियो आउटपुट की। यहाँ पर इसमें वॉल्यूम दिए गए हैं, स्पीकर म्यूट करने के, माइक म्यूट करने के, ये वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन। आप इसका वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं, वॉल्यूम घटा भी सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप कर सकते हो। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। आपको यहाँ पर ये अपना मोबाइल जो है, देखिए ये मोबाइल देखो, आपका मोबाइल दिख रहा है, देखो। अब हम इस मोबाइल से ये साउंड कार्ड कनेक्ट करेंगे, तो कैसे करेंगे वो दिखा देते हैं आपको। सबसे पहले हम ये OTG C-type OTG है। अगर आपका C-type OTG है तो आप C-type OTG का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इस OTG को लगा देता हूँ इसमें, और आपको मैं रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा गाना इसमें बाकायदा MP3 में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस गाने को प्ले करते हैं। इसमें कैसेट लगा हुआ है एक, ये कहाँ गया वो, ये रहा, ये कैसेट है, इसको हम इसमें लगाते हैं और आपको मोबाइल से इसका गाना रिकॉर्ड करके दिखाएंगे। देखिए इसको लगा दिया मैंने कैसेट को, और प्ले करेंगे इसको निकाल लेते हैं यहाँ पर। देखिए अब देखो ये गाना बज रहा है, थोड़ा तेज करें। तो इस गाने पे कॉपीराइट अपन को नहीं आएगा क्योंकि अपन ने रिमिक्स किया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इस कैसेट के कंटेंट को हम रिकॉर्ड करेंगे मोबाइल में, वो भी बगैर किसी शोर शराबे के। अगर हम माइक से ओपन रिकॉर्डिंग करते हैं तो सरसराहट आपको सुनाई देगी, लेकिन वो नहीं करेंगे। ये 3.5 mm की OX केबल हम इसमें लगाएंगे यहाँ पर इनपुट में। ये देखिए मैं इनपुट में इन कर देता हूँ इसको। अब यहाँ पर हमारा मोबाइल किसी भी ऑडियो प्लेयर से रिकॉर्ड कर सकते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ किसी से भी रिकॉर्ड करके। यहाँ इसका लॉक खोल देंगे, ओके। ये अमेजिंग MP3 रिकॉर्डर मैंने ओपन कर लिया है। इसमें ये लगा देता हूँ साउंड कार्ड, हमारी OTG से कनेक्ट कर लिया है साउंड कार्ड को। अब इस पिन को लगाएंगे हम ये टेप रिकॉर्डर के आउट में। कनेक्ट कर लिया है, प्ले करके देखते हैं। थोड़ा वॉल्यूम कम करेंगे, यहाँ पर ध्यान रखिएगा वॉल्यूम कम रखिएगा बिल्कुल, नहीं तो फटेगी आवाज़। कितना वॉल्यूम खोलेंगे हम, थोड़ा सा ट्यूटर कम करेंगे और यहाँ से थोड़ा ये कम करें। मैं अमेजिंग MP3 से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप कोई भी ऑडियो एडिटर से रिकॉर्ड कर सकते हैं, गोल्डवेव इत्यादि से। आप चाहें तो गोल्डवेव से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। चलिए गोल्डवेव से ही कर लेते हैं, इसको कट कर देते हैं यहाँ से। गोल्ड वेव को ओपन कर लिया है मैंने और रिकॉर्डिंग अब शुरू हो जाएगी। अब देखिएगा यहाँ पर वेव शुरू होगी जैसे मैं टेप रिकॉर्डर के गाने को ऑन करूँगा। अब प्ले करेंगे, ये गाना प्ले हो रहा है और आपको रेस दिख रही होगी खूब सारी। थोड़ा वॉल्यूम तेज रहेगा, कम कर लेते हैं, थोड़ा और कम कर लेते हैं। रिकॉर्डिंग हो रहा है गाना, यहाँ पर आपको नीचे वेव चलती हुई दिखाई दे रही होगी, देखिएगा।
ये देखिए रिकॉर्डिंग हो रहा है गाना, अभी तक रिकॉर्डिंग होने दीजिए थोड़ा, मैं गोल्ड वेव से रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसको। ओके, रिकॉर्ड हमने कर लिया है। स्टॉप कर दिया मैंने, बंद करेंगे म्यूजिक को, साउंड कार्ड को निकाल देंगे, नहीं तो आवाज़ अभी हमने कोई इसमें एक्सटर्नल लगाया नहीं है। ये देखिए ये गाना रिकॉर्डिंग हो गया, इसमें एकदम मस्त आवाज में रिकॉर्ड हुआ है। ये देखिए एकदम स्टीरियो, तो हमने बिल्कुल आसानी से रिकॉर्ड कर लिया इसको एज MP3 हमारे गोल्ड वेव की मदद से। बिल्कुल भी आवाज नहीं फट रही है, ये फोन के स्पीकर से आपको सबसे थोड़ा कम सुनाई दे। मैं कोशिश करता हूँ बड़े स्पीकर में इसको कनेक्ट करने की ताकि आपको सुनाई दे बड़ी भयंकर साफ आवाज। एक मिनट रुकेंगे, आप म्यूजिक चालू कर लिया है मैंने, प्लेयर हमारा चालू हो चुका है। अब हम यहाँ पर इसको ऑन करते हैं ब्लूटूथ, ब्लूटूथ ऑन कर दिया है मैंने इसका। अब देखते किस तरह की साउंड अप्ले करेंगे। देखिए सुनिएगा, सुनिएगा, अब सुनिएगा। मैंने नॉर्मल रिकॉर्ड किया है, सुनिएगा। मैंने रिकॉर्ड कर लिया, अब आपको हम कैसेट वाला सुना देते हैं गाना जो हमने जिस म्यूजिक प्लेयर से रिकॉर्ड किया था। ये रिकॉर्डिंग की पिन निकाल देते हैं यहाँ से, थोड़ा पीछे करेंगे, आप सुनेंगे, सुनिएगा। ये टेप की आवाज है, थोड़ा पीछे करेंगे, कैसी टाइट हो जाती है थोड़ी देर में, रिवर्स हो रहा है, सुनते हैं, सुनिएगा। ये मैंने रिकॉर्ड किया था अपने मोबाइल फोन में MP3 एज ए, तो आप भी ऐसा रिकॉर्ड कर सकते हैं। आपको सिर्फ या आपके फोन में OTG का सपोर्ट होना चाहिए और OTG से आपका कीबोर्ड या पेन ड्राइव कनेक्ट ऐसा हो कि आपका OTG काम करता हो, C टाइप OTG होगा बहुत ही अच्छा रहेगा। ये C टाइप OTG में हम इसको लगा देंगे साउंड कार्ड को, और यहाँ पर इनपुट में पिन लगा देंगे। अगर आपको उसका आउटपुट भी सुनना हो तो यहाँ पर हेडफोन वाले जैक में इसमें लगा लीजिए, फिर आपके फ़ोन के हेडफोन जैक में कुछ लगाना नहीं है। आपको इसी में जो 4 जैक दिए गए इनमें से आप किसी में भी आप लगा सकते हैं, 200-250 रुपये में ये साउंड कार्ड मिल जाता है, कोई इतनी प्रॉब्लम है नहीं। आशा आपको पसंद आया होगा वीडियो, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद।